हेलो बच्चों, आज हम परिमेय संख्याओं और दशमलव के बीच के संबंध के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं और सभी भिन्न या फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा की मदद से दर्शाया जा सकता है, लेकिन हमें दशमलव संख्याओं यानी कि डेसिमल नंबर्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दशमलव का उपयोग हम हमेशा करते रहते हैं, जैसे चीजों के मूल्य को दशमलव में दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए रुपीज 18.50 भार घनत्व यानी वॉल्यूम और ऊंचाई को भी दशमलव में लिखा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का वजन 52.5 केजी है, उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। दूध के पैकेट का वॉल्यूम 500 ml या 0.5 लीटर है। क्या दशमलव भी परिमेय संख्या है? हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। पी बाई क्यू एक भिन्न है और हम भिन्नों को भाग द्वारा आसानी से डेसिमल में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे 4/5। चलिए 4 को 5 से भाग देते हैं। हम 4 के बाद एक जीरो लगाएंगे और इसके लिए हम भागफल या कोशेंट में डेसिमल पॉइंट रखेंगे। 8/5 बराबर 40, इसलिए भागफल होगा 0.8। कोई भी भिन्न जिसका डिनोमिनेटर 10 का गुणज या मल्टीपल हो, उसे सीधे ही दशमलव में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे 1/10 मीटर इक्वल टू 0.1 मीटर, 1/100 इक्वल टू 0.01, क्योंकि जब हम 100 से भाग देते हैं तो पॉइंट बाई ओर दो स्थान बढ़ जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि सभी दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है? इसका पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले विभिन्न दशमलव संख्याओं के बारे में जानना होगा। जब हम 4/5 भाग देते हैं तब हमें परिणाम में 0.8 मिलता है। इस केस में हमें शेषफल या रिमाइंडर के रूप में 0 मिलता है और भाग यहीं खत्म हो जाता है। इस तरह 0.8 एक शांत दशमलव संख्या यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि एक निश्चित मान के बाद दशमलव शांत या टर्मिनेट्स या खत्म हो जाते हैं, लेकिन सभी दशमलव इस तरह टर्मिनेट नहीं होते हैं। जैसे 1/3 में 1/3 से छोटा है, इसलिए हम 1 के बाद 0 लगाएंगे और कोशेंट या भागफल में पॉइंट रखेंगे। 3/3 बराबर 9, 10-9 इक्वल टू 1, शेषफल है 1। एक बार फिर से हम 0 लगाएंगे, 3/3 बराबर 9, एक बार फिर से शेषफल 1 है। ये भाग इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। 0.333 ये भागफल होगा। इस तरह के दशमलव को अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं और इस दशमलव विशेष में 3 बार बार आता है, इसलिए हम इसे 0.3 और फिर 3 के ऊपर एक आड़ी रेखा खींचकर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दशमलव कभी शांत या टर्मिनेट नहीं होगा और 3 इसी तरह अपने आप को दोहराता रहेगा, और इस तरह हमें मिलता है 0.33333 और इसी तरह ये दोहराता रहता है। आप जानते हैं एक से ज्यादा अंक भी दोहरा सकते हैं। जैसे यदि हम 1/7 को भाग देते हैं, हमें मिलता है 0.142857, 142857, और इसी तरह ये दोहराता रहता है। तो 142857 भाग अपने आप को बार बार दोहराता है, इसलिए हम इस दोहराए जाने वाले पूरे दशमलव भाग को एक आड़ी रेखा के नीचे रखते हैं। तो यहां 0.142857 और उसके ऊपर एक आड़ी रेखा एक आसान दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप जानते हैं दोहराए जाने के कारण या बार बार आने के कारण हम इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव भी कह सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सभी दशमलव परिमेय संख्या से आते हैं? नहीं, कुछ अशांत दशमलव
या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आवर्ती भाग यानी कि रिपीटिंग पार्ट नहीं होता है, जैसे कि 1.4142 1352 में। इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो पूर्णांक के अनुपात यानी कि p बाई क्यू की तरह नहीं दर्शाया जा सकता है। यहां देखिए, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन इसमें कोई आवर्ती भाग या रिपीटिंग पार्ट नहीं है। इस तरह के दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है और ये 2 के स्क्वायर रूट की वैल्यू है। 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट आदि इरेशनल नंबर हैं। हम इनके बारे में बड़ी क्लास में जानेंगे। तो चलिए, आज हमने जो सीखा है उसे फिर से दोहराते हैं। दशमलव 2 तरह के होते हैं। शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि एक निश्चित मान के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे 0.8, और अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का कोई निश्चित अंत नहीं होता है। आवर्ती दशमलव यानी कि रेकरिंग डेसिमल, जैसे 1/3 = 0.3, और आड़ी रेखा जिसमें 3 लगातार दोहराता रहता है। और अशांत अनावर्ती दशमलव यानी कि नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दशमलव अंक अपने आप को दोहराता नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स में, जिसमें कि 2 पूर्णांक अनुपात की तरह नहीं दर्शाए जा सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर रूट = 1.4142 1352 है। संक्षिप्त में, सभी दशमलव संख्या परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में बदला जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय बच्चों।